नंबर थ्री बोलिए, यानी हमने रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया है, इसके जैसा ही है बट हम कुछ नया लेंगे। 5,000 रुपीज़ हमने काजल को पेड किया था, किसको पेड किया था? काजल को पेड किया था, तो उसकी राइट एंट्री ऐसे होगी, काजल इज अ रिसीवर, तो काजल अकाउंट टू कितना रुपीज, बाय मिस्टेक काजल की जगह हमने राजल लिख दिया, यानी कि बाय मिस्टेक उसको हमने राजल के अकाउंट में लिख दिया। किसको पेड किया था? काजल को, बाय मिस्टेक हमने किस में लिख दिया, यानी कि ऐसा लिख दिया, राजल अकाउंट डेबिट टू क्लियर। तो देखो ये इक्वल है, निकल जाएगा। रेक्टिफिकेशन क्या होगा? काजल अकाउंट डेबिट टू राजल अकाउंट। थैंक यू बेटा, इज दैट क्लियर? सो ये कौन सी एरर थी? चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी बुक में हम लिखते हैं तब जो एरर होती है वो, अब वो कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी परचेस की है 5,000 की कैश में, सो मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, राइट? कितना? पर बाय मिस्टेक हम हमारी प्राइमरी बुक में हम लिखना चाहते थे वो एंट्री, पहले हम रफ बुक में लिखते हैं फिर प्राइमरी बुक में लिखते हैं, प्राइमरी बुक में बाय चांस ये अमाउंट 5,000 की जगह 50,000 लिख दी, यानी कि एंट्री तो रही लिखी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखा तो ऐसा ही है बट 5,000 की जगह कितना लिखा? सो रेक्टिफिकेशन करते हैं, मैच करो, मशीन अकाउंट डेबिट 5,000, मशीन अकाउंट डेबिट है बट कितना है? मैच नहीं हो रहा है। टेंपरेरी जो हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें सस्पेंस ही लिखते हैं ना, वो भी दे रहे यार, वो किस में आएगा? जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते नहीं है, ये नहीं करते वो है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते है उसमें आएगा, अभी दे दे थोड़ा संभल, बहुत भाग रही है, नींद में से बाहर नहीं आई, ऐसा नहीं ना। सो मशीन अकाउंट को डेबिट करना था 5,000, बाय मिस्टेक हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कितना किया 50,000, मैच नहीं हो रहा है। कैश को 5,000 क्रेडिट करना था, किसको किया? कैश को ही किया बट कितना किया? मिस्टेक क्या हुई अब बताओ? 5,000 एंट्री राइट है, 5,000 लिखना था, बाय मिस्टेक कितना लिख दिया? कम लिखा या ज़्यादा? अगर ज़्यादा लिखते हैं तो BRS में हम बताते थे आपको, पता है ज़्यादा है तो उसका रिवर्स करो, अगर कम है तो वही साइड लिखो, तो ज़्यादा है तो इसका रिवर्स, रिवर्स यानी कि देखो मशीन अकाउंट को डेबिट करना था 5,000, डेबिट कर दिया 50,000, कितना ज़्यादा डेबिट किया? तो डेबिट ज़्यादा किया है तो उसको अब क्या करेंगे? क्रेडिट टू मशीन अकाउंट, कितना ज़्यादा था? क्लियर? और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था 5,000, बाय मिस्टेक कितना क्रेडिट किया? कितना ज़्यादा किया? 45,000 ज़्यादा क्रेडिट किया, तो उसको अब क्या कर दो? डेबिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? चलिए इसका रिवर्स होता, अगर ऐसा कुछ होता कि मशीन हमने 5,000 में परचेस किया है, कितने में? बाय चांस बुक में एंट्री 500 से हुई है, किससे हुई है? ओके, सो लिख रहा था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, बाय मिस्टेक क्या लिख दिया? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, एंट्री तो राइट है सर बट अमाउंट क्या है? गलत लिखी है,
तो चेक करो जितनी लिखनी थी उससे ज़्यादा लिखी या कम। अगर ज़्यादा होती तो हम रिवर्स एंट्री करते, कम है तो सेम एंट्री और जो डिफरेंस अमाउंट आती है वही। सो क्या आएगा मशीन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू एंड डिफरेंस अमाउंट 4500। इज दैट क्लियर, कंप्लीट, पता चल रहा है। सो ये कब होगा, जब प्राइमरी बुक में हम एंट्री करते हैं तब, मोस्ट ऑफ जीरो का ही प्रॉब्लम रहता है या फिर अमाउंट आगे पीछे लग देते हैं। ओके तो फिर आपको यही फाइन करना है, कम लिखी है अमाउंट, कम लिखी है हमने तो वही एंट्री, अगर ज़्यादा लिखी है तो उसकी रिवर्स एंट्री। नेक्स्ट लास्ट वन इज, यानी कोई बता सकता है इसके रिगार्डिंग, नहीं पढ़ा ये, किस किस को ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ये रेक्टिफिकेशन किसी ने नहीं किया फिनिश। कंपेंसेटरी एरर कैसे होती है, उसको क्या बोलते हैं, यानी दो ट्रांजेक्शन होते हैं कैसे, और दोनों ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जिस एक में क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा लिख दी है, दूसरे में डेबिट अमाउंट ज़्यादा लिख दी है। फिर से बोल रहा हूँ, एक में क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा लिख दी है, दूसरे में डेबिट अमाउंट ज़्यादा लिख दी है। अब दोनों को मैच करेंगे तो कौन सी एरर बोलेंगे उसको, देखो फॉर एग्जांपल डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सा एंट्री में, मैं बता रहा हूँ। हमने कोई फर्नीचर सेल किया था 400 रुपीज़ में, कितने में सेल किया था, 400 में। बाय मिस्टेक देखो फर्नीचर गोज आउट यानी कि क्रेडिट, बाय मिस्टेक हमने फर्नीचर अकाउंट में 4000 की जगह कितना लिख दिया, 400 की जगह 500 लिख दिया, यानी कि फर्नीचर गोज आउट यानी कि टू फर्नीचर अकाउंट में 400 की जगह कितना लिख दिया था, 500। एक ये ट्रांजेक्शन, उसके साथ दूसरा भी दिया होगा बाय मिस्टेक, सॉरी हमने सैलरी का पे किया था ₹400, बाय मिस्टेक सैलरी अकाउंट में हमने 500 लिख दिया। तो सैलरी इज अ वन टाइप ऑफ, सैलरी को क्या बोलते हैं, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया 500। चलिए पता चला, जो एरर थी वो मैंने लिखी, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना था, कितना करना था, बाय मिस्टेक कितना कर दिया 100, ज़्यादा क्रेडिट किया। सैलरी को क्या करना था, 400 डेबिट करना था, बाय मिस्टेक कितना डेबिट किया 100, ज़्यादा डेबिट किया। अगर ज़्यादा होता है तो क्या करना है उसका, रिवर्स। सो फर्नीचर क्रेडिट है उसको क्या करेंगे, बोलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़ ज़्यादा था, और सैलरी जो डेबिट है उसको, बोलो पता चला। यानी कि दो ट्रांजेक्शन थे, डिफरेंट टाइप के दो ट्रांजेक्शन थे, बट उसको अगर हम मैच करेंगे तो हमको एरर मिलेगी, इट्स कॉल्ड अ कॉम्पेंसेटरी एरर। तो ये जो हमने देखा वो सारी की सारी कौन सी एरर थी, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही थी। अब देखते हैं ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, जैसे आपने बोला सस्पेंस अकाउंट अब इसमें आएगा, बट पहले ये जानना पड़ेगा ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, पर पहले ये एरर देख लें, बाद में हम सस्पेंस अकाउंट देखते हैं, टाइम है ना हमारे पास 10 मिनट्स, ओके बहुत हो गया। सो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कैसी एरर करती है, कोई नहीं, अब तक हमने जो देखा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही थी उसमें दोनों साइड यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों अमाउंट क्या रहती थी, सेम, दोनों साइड हम मिस्टेक करते थे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। बट ट्रायल बैलेंस को जो एरर इफेक्ट करती है उसका कोई भी एक ही इफेक्ट होती होगी, या तो डेबिट हो रही होगी या तो क्रेडिट हो रही होगी,
क्या हो रही होगी, कोई भी एक ही इफेक्ट हमने की होगी, दूसरी करनी बाकी होगी, या फिर हमने दूसरी में कोई एरर किया होगा, कोई मिस्टेक की होगी। आर यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल मशीन अकाउंट, हमने 5000 का मशीन परचेस किया है, तो उसकी एंट्री हमने कैश बुक में 5000 तो लिख दिया, चलो वो राइट है, बट बाय चांस मशीन अकाउंट में डेबिट 5000 करना था, उसकी जगह 50000 कर दिया, तो एरर कहाँ पे आई, दोनों जगह आई या एक ही जगह आई? मैं जो बोल रहा हूँ वो पता चल रहा है? 5000 का मशीन हमने कैश में परचेस किया, ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो 5000 कैश गोज आउट, यानी कि कैश बुक में हमने 5000 लिख दिया, गोज आउट क्रेडिट, वो राइट लिख दिया। अब फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर कम्स इन यानी कि डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 5000, बाय चांस 5000 की जगह हमने 50000 लिख दिया, कहाँ पे एरर हुई? फर्नीचर अकाउंट में, एक ही जगह हुई, कितना लिखना था, कितना लिखा, कितना ज़्यादा लिखा, 45000, तो 45000 को हम रिवर्स करेंगे, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था उसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट 45000। तो सर एक ही एंट्री हुई, टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि क्रेडिट वाली एंट्री हुई, डेबिट वाली, यहाँ पे दूसरी कोई इफेक्ट है ही नहीं, दूसरी कोई इफेक्ट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो सस्पेंस अकाउंट क्या है? तो ईयर के एंडिंग में जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है, दोनों साइड का आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम पे अगर हम एरर फाइंड करने बैठेंगे तो हमारे अकाउंट्स लिखना रह जाएगा, तो उसी टाइम टेम्पररी ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल मैच करने के लिए, यानी कि सेम करने के लिए, हम जो साइड जो भी डिफरेंस अमाउंट आती है वो साइड वो डिफरेंस अमाउंट डालते हैं और सामने लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखते हैं, उसी वजह से ये सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये सस्पेंस अकाउंट बना दिया, उसके बाद जब भी हमको टाइम मिलेगा तब हम एरर फाइंड करेंगे, ऐसी ऐसी मिस्टेक करेंगे जो की हुई होगी वो मिस्टेक हम फाइंड करेंगे, उसकी एक एंट्री तो जो आती है वही डालेंगे, और दूसरी एंट्री कहाँ पे डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट में, लाइक अभी हमने देखा वैसे ही, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 45000, डेबिट कुछ नहीं हो रहा था तो क्या लिखा था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 45000। इज दैट क्लियर? वैसे जो जो भी एरर्स मिलती है वो एरर्स हम फाइंड करेंगे, जो सस्पेंस अकाउंट जहाँ पे डालना पड़ता है वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के उसकी जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट में उसका लेदर पोस्टिंग करेंगे, लेदर पोस्टिंग करने के बाद दोनों साइड का टोटल क्या हो जाना चाहिए, सेम, चलिए फिर भी टोटल सेम नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट का ऐसा थोड़ी हो ही जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बोल छोड़े, तो ऐसा नहीं बेटा, तो आपने जो किया वो गलत, फिर इसे चेक करो, और भी मिस्टेक है, और भी क्या है, क्योंकि हमने सारी की सारी अगर मिस्टेक फाइंड कर ली और उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया तो सस्पेंस अकाउंट तो निकल जाना चाहिए, अभी भी नहीं निकला है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, अभी भी एरर बाकी है, पता चल रहा है जो बोल रहा हूँ वो, इज दैट क्लियर? तो ये सस्पेंस अकाउंट के बारे में था, इसीलिए आप है ना कभी भी एग्जाम में सम आए ना तो सस्पेंस अकाउंट बनाने का बोले ना तो चेक कर लेना दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं वहीं से रॉन्ग कर दूंगा, आगे कुछ चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि आपका अभी भी मिस्टेक है ही, बट कोरोना की वजह से ये सस्पेंस अकाउंट वाले सम निकल गए हैं, सो डोंट वरी। तो इसमें ओनली 3 रिलेशन देखना है, फर्स्ट सेकंड एंड 3rd, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे सम है, थर्ड वाला है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, बस उसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना नहीं है। वैसे बात करें हमारी एग्ज़ाम की तो थर्ड जैसा सम रिलेशन थर्ड है ना, वो हम एग्ज़ाम में रखते नहीं है कभी भी, सेकंड वाला पूछ नहीं सकते। अब आपको सोचना है, आप वैसे भी इंटेलिजेंट तो हो ही, क्लियर, और एक्सरसाइज में से है एक दो वो करेंगे, चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। चलिए फर्स्ट क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग पोस्टिंग,
यानी कि हमने जनरल एंट्री राइट की है, बट उसका जब हम लेदर पोस्टिंग करते हैं तब मिस्टेक होती है। जैसे मैंने अभी फर्नीचर अकाउंट का बताया, उस तरीके से फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था 5000, बाय मिस्टेक हमने कितना कर दिया था 50000। तो ऐसी एरर एक इफेक्ट करती है। सेकंड क्या है बोलिए? एरर रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, यानी कि हम क्या करते हैं, लेदर पोस्टिंग करते हैं, लेदर पोस्टिंग करने के बाद उसका टोटल लगाते हैं, टोटल लगा के उसका बैलेंस फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, और वो बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो अब जब भी हम टोटल लगा के हम बैलेंस फाइंड करते हैं तब भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ का ज़्यादा बैलेंस लिख लेते हैं, कुछ का अगर ज़्यादा लिखते हैं तो ऑपोजिट जाना है, कम लिखते हैं तो वही सही। फिर कभी कभी क्या होता है, बैलेंस हमने राइट फाइंड किया है बट उसको ट्रायल बैलेंस में जब भी ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट 5000 डेबिट बैलेंस आया, तो हमने ट्रायल बैलेंस में परचेस अकाउंट डेबिट ही लिखा पर 5 की जगह 50 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। मिस्टेक तो काफ़ी टाइप्स के होते हैं ना, यस या नो, आर यू अंडरस्टैंड? तो ज़्यादा लिख दिया तो अब क्या करेंगे, 5 की जगह 50 लिख दिया डेबिट, तो कितना ज़्यादा लिखा, ज़्यादा डेबिट किया, तो इसका क्या करेंगे, रिवर्स क्रेडिट साइड, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बोलिए, लास्ट वाला, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम, वही है ना, थर्ड नंबर बाकी है। हाँ बोल, सब्सिडरी बुक का टोटल लगाते हैं तब एरर होती है, लाइक अ परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सब का टोटल लगाते हो, कभी कभी ज़्यादा लिख देते हो, कभी कभी अमाउंट क्या लिख देते हो, कम, बस वही रहता है, ज़्यादा लिखोगे तो ऑपोजिट साइड, कम लिखोगे तो वही साइड, क्या क्या ऑपोजिट साइड, क्या वही साइड, दिमाग बंद हो गया क्या? अगर कैश बुक का टोटल 5000 ज़्यादा लिखा है, डेबिट साइड का टोटल 5000 ज़्यादा लिखा है, तो क्या करेंगे, डेबिट का ज़्यादा लिखा है तो उसको क्या करेंगे, अगर 5000 डेबिट साइड का कम लिखा है तो वही साइड, इज दैट क्लियर? एंड लास्ट, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम हम जो मिस्टेक करते हैं, कैसे मिस्टेक, हमने सारे के सारे अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें एक अकाउंट्स भी था वेजिस अकाउंट डेबिट, 5000 रुपीज़ बैलेंस उसका मिल रहा था, बट हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया वेजिस अकाउंट का बूच लगा दिया, उसको लिखा ही नहीं, भूल गए, तो फिर क्या होगा, आंसर मैच होगा नहीं होगा, इज दैट क्लियर? तो ये सारी क्या थी, इफेक्ट थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग हम सम स्टार्ट करेंगे, ओके? आज के लिए इतना रखते हैं।